अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा सेकंड व्लॉग। जैसा कि कल हमने आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा धूप है और सूरज भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी हीट दिखा रहे हैं। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग और मामा के पास चलते हैं। मामा, आज क्या बना रही हैं? आज बन रहे हैं वेजिटेबल राइस और भिंडी। चावल बॉयल करने के लिए मैंने रखनी है, और इधर भिंडी के लिए प्याज, भिंडी गोश्त, बच्चे की फरमाइश पसंद है। और तो शुक्र है, अल्लाह का मौसम बहुत बेहतर है। धूप निकली है, बस मेरा तो लगने गर्म करें, और मौसम इसी तरह कुछ गवा रहे ताकि रमजान अच्छे से गुजरे। चिकन डालने आज? आज चिकन, आज हम चिकन वाली भिंडी बना रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं क्रश किया हुआ लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये वाइट राइस है तो फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसे भून के तो इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल। जिसमें है शामिल गाजर, मटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, आलू, जो भी मर्जी आपकी जो सब्जी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और सब्जियां भी खा लेते हैं इस बहाने से बच्चे, क्योंकि सबका रोज़ा होता है तो फिर ये ज़रा हल्के फुल्के। ठीक है, डाले नमक, नमक नमक डाले इसमें और काली मिर्च, और इसमें क्योंकि मसाले देते हैं और थोड़ा सा डालेंगे हम सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस, सिरका और सोया सॉस और इसे थोड़ा सा भून दो तो फिर इसे दलके में डालने दें ताकि सब्जियाँ हो जाएँ, और जब सब्जियाँ गल जाएंगी तो फिर इसमें बॉयल चावल शामिल कर देंगे। चलिए जी, इसे पकने के लिए रख देते हैं, और इधर आते हैं अपनी भिंडियों की तरह। इस टाइम काम ज़्यादा था, अफरा तफरी का ज़रा। वाओ, चिकन वाली भिंडी डिलीशियस। क्या शामिल करना है अब इसमें? इसमें शामिल करना जी टमाटर, एक टमाटर। वैसे जो मैं प्याज वाली भी नहीं बनाती है तो मैं उसमें ना टमाटर नहीं शामिल करती, ये चिकन के साथ रखती हूँ। टमाटर को डाल के अच्छी तरह से भून, उसमें क्यों नहीं शामिल करती? वो फिर ना उसका ज़रा टेस्ट मिक्स हो जाता है टमाटर का। अब इसमें नमक,
मिल जाता है। मामा कितनी भी नींद आ रही है आज आप देखता कितने बजे हैं तो शाम को रमजान में बस एक पाओ थोड़ा सा इस्तेमाल करो। थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। चिकन ये हमारे चावल और ये हमारी पेटर चिकन हमारा भुन गया अच्छी तरह से। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन जीरा और सूखा धनिया भी शामिल किया। जब भिंडी बनाते हैं उसमें अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें, इससे ना ज़रा क्योंकि भिंडी ज़रा बाकी सब्जी है तो अच्छा रहता है, इससे टेस्ट भी अच्छा होता है और वैसे भी ना भिंडी नुकसान नहीं करती। ये देखें जी भिंडी शामिल कर दें और इसे एक दो दफ़ा चम्मच हिला के तो हम इसे दमते रखेंगे। अच्छा आती हूँ चले इसे हमने रख दिया। ये हमारे स्टूडेंट्स का भी टाइम है तो दमते तो इधर राइस होगी राइस अभी सब्जियाँ थोड़ा सा टाइम लेंगी। थोड़े से अच्छे से और हो जाए तब तक मैं बाकी काम देख लूँ। चले जी बस तब तक बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ठीक है जन से मर्जी फ्रूट डाले केले से खरबूजा अमरूद खजूर स्ट्रॉबेरी मौसमी फ्रूट जन से मर्जी फ्रूट चाट में डाले बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं और रोज़ा होता है सारा दिन तक सेहत के लिए भी अच्छा है। सब्जियाँ आ गई हैं तो आप वक्त कम इसमें दो तीन अंडे शामिल किए क्योंकि बच्चे अंडे बहुत शौक से खाते हैं और हेल्दी है वेजिटेबल लैदा बना के भी आप शामिल कर सकते हैं लेकिन मेरे पास ज़रा वक्त की कमी थी मैंने इसी तरह शामिल कर दिए। चावल चावल शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करके और दम पे लगा दें। भिंडिया पक गई भिंडिया तैयार है। चलो जी इसे दो तीन मिनट का दम भी किया जाए और ये भिंडिया रेडी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी तैयार हुई है। और ये है हमारी फ्रूट चाट। चलो जी बाकी मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।